हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ 20 ऐसे परमानेंट गर्मियों में फूल देने वाले पौधे शेयर करने वाली हूँ, जो कि बिल्कुल रेयर, एक्जोटिक एंड यूनिक प्लांट हैं। इनके फूल हमारे मन को मोहने के साथ साथ हमारे दिलों में अपनी छाप छोड़ जाते हैं। इनके फूलों को हम भूल नहीं पाते हैं। हालांकि विंटर में बहुत ही शानदार वैरायटियों के फूलों वाले पौधे आते हैं, लेकिन इन फूलों को देख करके आप विंटर के सभी फूलों को भूल जाओगे। दूसरी सबसे अच्छी बात इन पौधों की ये है कि ये पौधे परमानेंट होने के साथ साथ बहुत ही लो मेंटेनेंस यानी कि कम देखभाल में इजीली सरवाइव करते रहेंगे। इन पौधों को ग्रो करने का जो समय है वो मार्च अप्रैल, यहाँ तक कि कुछ पौधे तो ऐसे हैं जिनको आप रेनी सीजन यानी कि बरसात के मौसम में भी ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो प्लांट है, इसकी सुंदरता आप लोग देखिए। ये जो पौधा है, इसको लोटस या फिर वाटर लिली के नाम से जाना जाता है। कुछ वैरायटी इसकी ऐसी होती हैं जो कि रात में खिलती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो कि दिन में खिलती हैं। इनको बीजों से और बल्ब से दोनों तरीकों से ग्रो किया जाता है। देखिए, कुछ इस तरीके के इनके बल्ब होते हैं, तो इनको इस टाइम पर आप लोग ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है, देखिए, डे लिली। ये भी कई सारे रंगों में आते हैं, लेकिन इनका ये ऑरेंज कलर बहुत ही कॉमन सा है। इनके खिलने का समय अप्रैल से लेकर रेनी सीजन तक लगातार खिलते हैं। तो देखिए, कुछ इस तरीके के इनके ये राइजोन होते हैं, छोटे छोटे से, यानी कि ट्यूबर बड़े होते हैं लेकिन राइजोन ये इस तरीके से छोटे छोटे से होते हैं। मैंने अपने ही पॉट से लास्ट ईयर का ये पौधा निकाला है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है, देखिए, जिंजर लिली। ये भी बहुत सारे रंगों में आते हैं, लेकिन अगर आप लोग खुशबू वाले पौधों के शौकीन हो तो व्हाइट कलर की जिंजर लिली को लगाइए। इसके फूलों में से बहुत ही प्यारी खुशबू आती है। इनके जो और कलर होते हैं उनमें खुशबू नहीं होती है। इनमें भी नीचे देखिए इस तरीके से राइजोन बनते हैं, जैसे अदरक की गांठें होते हैं, ठीक इसी तरीके से नीचे ये मल्टीप्लाई होते रहते हैं। इनको लगाने का जो समय है स्प्रिंग सीजन से लेके आप लोग मई तक लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है, देखिए, एमरस लिली। ये बहुत सारे रंगों में सिंगल पेटल, डबल पेटल इस तरीके से आपको मिल जाएंगे। कुछ लोग डे लिली और एमरस लिली में कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो देखिए ये दोनों अलग वैरायटियां होती हैं। फैमिली इनकी एक ही है, लेकिन दोनों अलग प्लांट होते हैं। एमरस लिली के कुछ इस तरीके से मोटे मोटे से बल्ब होते हैं। देखिए, लास्ट ईयर मैंने इनका एक बल्ब लगाया था और इस साल इसके आप लोग देख सकते हैं 15 से 20 बल्ब बनकर के तैयार हो गए हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है, देखिए, कैना लिली। ये भी अब बहुत सारी कलर्स वैरायटियों में आने लगे हैं। ये जो हाइब्रिड वैरायटी के पौधे अब आ रहे हैं, ये तो ऐसे होते हैं अप्रैल से लेके अक्टूबर तक लगातार रुक रुक के फ्लावरिंग करते रहते हैं, लेकिन इनमें जो नया बेबी प्लांट निकलेगा उसी में एक फ्लावर स्टिक निकलेगी। जो पुरानी स्टिक होती है जिसके ऊपर फूल खिल करके सूख जाते हैं, उसको आप लोग हटाते रहिए। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है, देखिए, ऑर्किड के। ये पौधे भी ऐसे होते हैं कि इनको बहुत ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है, या तो जो कोकोनट सेल होते हैं नारियल के छिलके, उनमें आप इनके बल्ब को ग्रो कीजिए, या फिर बिल्कुल रिवर सैंड यानी कि रेत में आप लोग इनको ग्रो कीजिए। देखिए, इस तरीके के इनके बल्ब होते हैं, इनमें ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है, देखिए, फुटबॉल लिली। इसको फुटबॉल लिली इसलिए कहा जाता है, इसका जो फूल होता है स्टिक पर ऊपर जाके बिल्कुल बॉल की तरह ही खिलता है। कुछ इस तरीके के इनके ट्यूबर होते हैं, मोटे मोटे से। अगर इस साल आपने इसका एक ट्यूबर लगाया है तो नेक्स्ट ईयर आपके पास इनके कई सारे ट्यूबर बनकर के तैयार हो जाएंगे। बहुत तेजी से ये मल्टीप्लाई होते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है, देखिए, क्रेनम लिली। इनके फूलों में से बहुत ही मीठी मीठी सी प्यारी सी खुशबू आती है। लिली में बहुत सारी वैरायटी आती है, हर एक वैरायटी एक से बढ़कर एक होती है। कुछ वैरायटियां विंटर में खिलती हैं, कुछ समर में खिलती हैं। इनके भी देखिए कुछ इस तरीके से मोटे मोटे से, जैसे एमरस लिली के बल्ब होते हैं, इस तरीके के बल्ब होते हैं। तो आप लोग जब भी बल्ब को खरीदे तो कोशिश कीजिए मैच्योर बल्ब भी लीजिए। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है, देखिए, बिगोनिया। बिगोनिया कई सारी वैरायटियों में आते हैं। इनकी जो कॉमन सी वैरायटी होती है, जो कि ज़्यादातर विंटर में ही देखने को मिलती है, उसको बीजों से और कटिंग से लगाया जाता है, लेकिन इसकी ये वाली जो वैरायटी है, इसको बल्ब से यानी कि ट्यूबर से लगाया जाता है। कुछ इस तरीके के इनके ट्यूबर होते हैं। इनके ट्यूबर को ग्रो करने का जो सही समय है स्प्रिंग सीजन से लेके मई तक, या फिर अक्टूबर में आप लोग ग्रो कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी में या फिर बहुत ज़्यादा सर्दी में इनके जो बल्ब हैं वो ग्रो नहीं होंगे। जो प्लांट है ये है, देखिए, कामफेरिया या फिर पिकॉक जिंजर प्लांट के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये जिंजर की फैमिली से बिलोंग करता है। इसके खिलने का जो समय है वो स्प्रिंग सीजन से लेके अक्टूबर तक रुक रुक के फ्लावरिंग करता है।
कुछ इस तरीके से छोटे छोटे से इनके बल्ब होते हैं, तो इनके बल्ब को इस टाइम पर आप लोग ग्रो कर सकते हैं। विंटर इसका डोरमेंसी पीरियड होता है, डोरमेंसी में चला जाता है। नेक्स्ट जो प्लांट है इसको देखिए बीजों से और बल्ब से दोनों तरीकों से ग्रो किया जाता है। इसके बल्ब को ग्रो करने का जो समय है मार्च अप्रैल और दूसरा अक्टूबर या नवंबर के महीने में ग्रो कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी में या फिर बहुत ज़्यादा सर्दी में इसके जो बल्ब हैं खराब हो जाते हैं, वो ग्रो नहीं होते हैं। कई सारे रंगों में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट जो प्लांट है फिर से देखिए लिली की फैमिली से बिलोंग करता है। इसमें भी नीचे से एक लंबी सी स्टिक निकलती है ऊपर को और ऊपर जाके फूलों का देखिए इस तरीके से बंच बनता है। एक बार में 10 से 12 फूल खिलते हैं और खिलने के बाद 8 से 10 दिन तक खिले रहते हैं, तो इनको भी इस समय आप लोग ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए साइक्लामेन। इनको बीजों और बल्ब दोनों तरीकों से ग्रो किया जाता है। इनके ऊपर एक फ्रूट सा बनता है, उसी के अंदर इनके बीज होते हैं और दोनों सीजन में आप इनको ग्रो कर सकते हैं, अक्टूबर में भी और फरवरी मार्च में भी आप लोग इनको ग्रो कर सकते हैं। कुछ इस तरीके के इनके बल्ब होते हैं, तो इस समय भी आप लोग इनके बल्ब को लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है यह है देखिए कैला लिली के। कुछ लोग कहते हैं कि विंटर फ्लावरिंग प्लांट है, विंटर में फ्लावरिंग करता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कैला लिली ऐसे होते हैं साल में 2 से 3 बार फ्लावरिंग पर आते हैं, तो इनके बल्ब को ग्रो करने का मार्च अप्रैल में ग्रो कर सकते हैं या फिर उधर अक्टूबर में ग्रो कर सकते हैं। कुछ इस तरीके के इनके बल्ब होते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है कलेडियम के। हालांकि ये फ्लावरिंग प्लांट नहीं है, लेकिन किसी फूलों से कम भी नहीं लगते हैं। इनके बिना हमारा गार्डन अधूरा रहता है। अपनी रंग बिरंगी पत्तियों के लिए ये जाने जाते हैं। इनको भी इस समय आप लोग बल्ब से ग्रो कर सकते हैं। जो प्लांट है इसको देखिए ब्लैक टर्मरिक के नाम से जाना जाता है। ये भी कई सारे रंगों में आती है, लेकिन इसका ये पिंक कलर बहुत ही कॉमन सा है। ये पौधा ऐसा होता है अगर इसके ऊपर फूल भी ना खिले तो इसकी पत्तियां देखिए दिखने में बहुत सुंदर लगती हैं। इनके जो बल्ब हैं यानी कि राइजोन है कुछ इस तरीके से होते हैं, मोटे मोटे से जैसे अदरक की मोटी वाली गांठें होती हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है इनको भी देखिए बीजों से बल्ब से और कटिंग से तीनों तरीकों से ग्रो किया जाता है। ये भी कई सारे रंगों में आती हैं। ये भी समर में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं, विंटर में डोरमेंसी में चले जाते हैं। कुछ इस तरीके से छोटे छोटे से इनके राइजोन होते हैं, तो इनको ग्रो करने का ये सही समय है। इस समय आप लोग इनको ग्रो कर लीजिए। और ये जो पौधा है थोड़ा सा शेड लविंग है यानी कि छाया में चलने वाला है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए ग्लोरिसा या फिर इसको अग्नि शिखा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके जो फूल हैं ऊपर की तरफ को अग्नि के समान यानी कि आग की तरह ही ऊपर को खिलते हैं। ये एक बेल की तरह ग्रो करती है, लेकिन राइजोन से ग्रो की जाती है। इसके जो राइजोन है देखिए इस तरीके से लंबा लंबा करके आपको मिट्टी में लगाना है। कुछ लोग इसको खड़ा करके भी मिट्टी में लगा देते हैं, तो वो तरीका गलत है। प्लांट है ये है देखिए एग्जोलिस का। ये पौधा भी ऐसा होता है, राइजोन से तो ग्रो होता ही है। इसके ऊपर छोटे छोटे से पिंक कलर के फ्लावर भी खिलते हैं, देखिए इस तरीके के दिखने में बहुत सुंदर लगते हैं। अगर ये फूल भी ना खिले तो इसके पत्तियों के वजह से इस पौधे को लगाया जाता है। देखिए इस तरीके से नीचे से मल्टीप्लाई होता रहता है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए वर्ड ऑफ पैराडाइज। इस पौधे की फूल की सुंदरता आप लोग देखिए कितना सुंदर लगता है। इसकी भी जो पत्तियां हैं जैसे कि पीस लिली की या फिर कैना लिली की होती है, इसी तरीके के इसके राइजोन होते हैं। देखिए ये कुछ इस तरीके के, तो ये एक राइजोन मैं निकाल करके लाई हूँ, कहीं से मुझे मिला है, पता नहीं कलर कौन सा निकलेगा। तो इसको बस इसी तरीके से जैसे हमने कैना लिली के पौधों को लगाया था, इसको भी लगा देंगे। नेक्स्ट जो प्लांट है इसको देखिए स्पाइडर लिली या फिर सुदर्शन के नाम से भी जाना जाता है। इस पौधे को घर में लगाया जाना शुभ भी माना जाता है। ये पौधा आप लोग जब भी लगाएं तो कोशिश कीजिए बड़े से पॉट में लगाइए, क्योंकि ये बहुत तेजी से इसका जो बल्ब है बहुत बड़े बड़े साइज के हो जाते हैं। देखिए कुछ इस तरीके के जैसे एमरस लिली के बल्ब होते हैं ऐसे इसके बल्ब होते हैं, तो इस समय इनको भी आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है रजनीगंधा के। रजनीगंधा की जो हाइब्रिड वैरायटी आती है, जो डबल पेटल वाले फूल आते हैं, इन फूलों में खुशबू नहीं होती है। इनकी जो देसी वाली सिंगल पेटल वाले फूल होते हैं उनके फूलों में बहुत अच्छी खुशबू होती है। इनके भी देखिए इस तरीके से छोटे छोटे से राइजोन होते हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो इन्हीं को अगर इस साल आपने एक राइजोन लगाया है, नेक्स्ट ईयर आपके पूरे गमले को भर लेगा। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए रेन लिली। रेन लिली बीजों से और राइजोन से दोनों तरीकों से ग्रो किया जाता है, कई सारे रंगों में आता है। इनके ऊपर देखिए इस तरीके से बीज भी बनते हैं, तो इनके बीजों को भी लगा सकते हैं।
और इस तरीके के इनके देखिए बस होते हैं, छोटे छोटे से जैसे प्याज होते हैं इसी तरीके के। देखिए एक पॉट में इतने सारे ये बस निकले हैं, आप लोग देख सकते हैं बहुत तेजी से ये मल्टीप्लाई होते हैं। नेक्स्ट है ये पिकॉक प्लांट, इसको ज्यादातर इसकी पत्तियों की वजह से ही इसको लगाया जाता है। ये छाया में चलने वाला पौधा है, लेकिन इसके ऊपर देखिए इस तरीके से छोटे छोटे से पिंक कलर के फूल भी खिलते हैं, तो दिखने में बहुत सुंदर लगता है। इसमें देखिए इस तरीके से नीचे से छोटे छोटे से ट्यूबर बनते हैं, जैसे कि स्पाइडर प्लांट के होते हैं या फिर एस्पार्गस फर्न के होते हैं, तो इनको भी इस टाइम पर आप लोग अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये थे वो पौधे। आज की इस वीडियो में जितने भी पौधे ये मैंने शेयर किए हैं, ज़्यादातर सभी पौधों को बल्ब से यानी कि कंद से ग्रो किया जाता है। सभी पौधे परमानेंट ही हैं, एक बार आपके गार्डन में आ गए तो आपके गार्डन से कहीं नहीं जाएंगे। तो चलिए आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।